बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मूंग की दाल की ऐसी रेसिपी लेके आया हूं, ये मलाई और मक्खन की तरह सॉफ्ट होगी और इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। इवन के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल जो दालें हैं वो इसके सामने कुछ भी नहीं होगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और यहाँ पे एक कप मूंग की दाल, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से धोकर फिर भिगो के रखा था, ठीक है। ये एक अहम बात होती है दालों को लेके, और प्याले लेंगे, अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये रेसिपी सबसे आसान है, इससे आसान मूंग की दाल की रेसिपी नहीं हो सकती, और यकीन करें टेस्ट में ये सबको हरा देती है। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज इसमें जाएगा, एक खूबसूरत सा रेड कलर का टमाटर जाएगा इसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून जाएगा। चलें जी, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे सिर्फ नमक 1 टीस्पून जाएगा, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और हल्दी जाएगी, ठीक है, 1/2 टीस्पून जस्ट, और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। अब आपने 3 कप इसमें पानी डाल देना, याद रखिएगा दाल 1 कप थी, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करके ढांक के रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट पकाना है। कब तक? जब तक दाल गल ना जाए। अगर प्रेशर कुकर है तो वो 4 से 5 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपने इसको पका लेना है अच्छी तरह से, और उसके बाद आपने चेक करना है कि दाल गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है या नहीं। ये देखें आप, बहुत आसानी से ये देखें, ये गल चुकी है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई कर देना है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के खुश धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, और ये है जीरा 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे। अब आपने इसको कब तक पकाना है, इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी जो है ये ख़त्म ना हो जाए और पूरी दाल में एक लेस ही ना बन जाए, एक लेस ही बन जाए, ठीक है, स्मूथनेस आ जाएगी ना जब इसमें, तब तक आपने इसको पकाना है। लेकिन आपने इसको गाढ़ा नहीं करना, रखना आपने इसको पतला है, ठीक है। तो ये देखें कंसिस्टेंसी आ चुकी है जो हमें चाहिए, और थोड़ा सा ये लेसदार भी हो चुकी है। अब करते हैं मजे का काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देसी घी लेंगे हम यहाँ पे, 4 से 5 टेबलस्पून डालडा घी ले लें, चाहे देसी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप घी लें। फ्लेम आपने लो रखना है, हाई नहीं रखना। अब इसमें कुछ कलरफुल से काम करते हैं। हरी मिर्चें जाएंगी कटी हुई 2 से 3, और लाल मिर्चें मेरी फेवरेट वाली 2 से 3, और अदरक। इन 3 चीज़ों को लो फ्लेम के ऊपर आपने हल्का सा फ्राई करना है, सौते करना है, तड़का तैयार करना है, ठीक है। जला नहीं आपने लेना, यहाँ पे लोग अक्सर गलती करते हैं, सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हल्का सा जब ये कड़कड़ा दें, तब आपने उस गरम दाल के ऊपर इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देना है, और आपने इसकी करनी है यहीं पे मिक्सिंग, ठीक है। तो आप देखिएगा इसके अंदर आपको एक ऐसी मलाई जैसी, एक क्रीम जैसी फीलिंग आएगी। मसाला भून के ये चीज़ तैयार नहीं होती, ये टेस्ट नहीं आता स्टार्ट में जो मसाला भुना जाता है। तो आपने ऐसे इसको ज़रूर एक दफ़ा पकाना है। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत कमेंट जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।